रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो अक्टूबर 2023 के अंत तक यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का बोरिया बिस्तरा समेट दे। और अब इसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। दरअसल रूसी रक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के पश्चिमी दोनेत्स्क इलाके का दौरा किया है। यहाँ पर उन्होंने रूस के कई बड़े सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और पुतिन का एक गुप्त संदेश दिया। इसको लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया है। मेदवेदेव ने कहा कि मैंने दोनेत्स्क के एक फायरिंग रेंज के इलाके का दौरा किया है। इसके अलावा मेदवेदेव ने कहा कि युद्ध की शुरुआत से 3,25,000 से अधिक लोगों को रूसी सशस्त्र बलों में भर्ती किया गया था, जो कि महीने की शुरुआत में दिए गए 2,80,000 के आंकड़े से अधिक है। हालांकि मेदवेदेव के इन दावों की अभी तक स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मेदवेदेव रूस के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने पुतिन का यूक्रेन के आक्रमण को लेकर जोरदार समर्थन किया है और सोशल मीडिया पर लगातार पश्चिमी देशों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में मेदवेदेव गए थे उस इलाके को रूसी सेना ने सितंबर 2022 में कब्जा लिया था। रूसी सेना ने सितंबर के महीने में डोनेट्स, लोहांस, खेरसों और जेपोरिजिया क्षेत्रों पर कब्जा करने का दावा किया, लेकिन उनमें से किसी पर भी उसका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। यहां तक कि डोनेट्स में तो रूसी सेना ने जबरन चुनाव तक कराए और कुछ पश्चिमी मीडिया हाउसेस के अनुसार चुनाव में लोगों को डराया धमकाया गया और उनसे अपने पक्ष में वोट डलवाए गए और चुनावी नतीजे आने के बाद रूस ने डोनेट्स में अपना मेयर तक नियुक्त कर दिया है। हालांकि यूक्रेन के कुछ और भी इलाके हैं जहां पर रूसी सेना ने आंशिक कब्जा किया हुआ है। रोबोटाइन, मेलिटोपोल, मारियोपोल जैसे इलाकों में यूक्रेनी सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है ताकि इन कब्जे वाले इलाकों को रूस से आजाद कराया जा सके।